Hi everyone, welcome back to EBS class. So how are you all? I hope you are all good and safe at your home. So welcome to EBS class. So we have started chapter 10, Air Around Us, and we have completed chapter 9, Rocks and Minerals. This one is also very interesting chapter. So yesterday हमने शुरू किया है ये चैप्टर और मैंने आपको वीडियो भी सेंड किए थे ओके कि ब्रीज कैसी हवा रहती है और स्टॉर्म कैसे होता है, स्टॉर्म कैसे हमारे लिए हार्मफुल है, ये सब मैंने वीडियो में दिखाया है. तो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिए ओके. सो एयर अराउंड अस ओके. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न द मूविंग एयर. What does air contain? Properties of air, keeping the air clean. Okay, ये keeping the air clean जो है ना ये हमारे हाथ में है. Air को हम clean रख सकते हैं okay? Air अपने आप को clean नहीं रखेगा, इसके लिए हमारे हाथ है. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा plants grow करना चाहिए क्योंकि जो tree है वो हमें oxygen देती है ना. So इसीलिए हमें प्लांट्स जहाँ भी खाली स्पेस हो हमारे घर के आसपास वहाँ पे हमें प्लांट्स उगानी चाहिए ओके. सो ओके, सो हमने ये किया. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर इन बोथ ऑफ देम. ये हमने किया, ये क्या हवा चल रही है ना, आप देख सकते हो ओके. सो हमने यहाँ पे एयर भी लिख दिया ओके. सो यहाँ पे ओपन कीजिए मूविंग एयर ओके. मैंने आपको ये अंडरलाइन करने के लिए बोली थी, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड ओके. सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड ओके. हम क्या हम एयर देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी एयर, बट वी कैन फील इट ओके. जैसे आप अभी देखिए, आप विंडो के पास जाके खड़े रहिए, विंडो ग्लास ओपन कीजिए. अभी देखिए, अभी तो हवा नहीं है लेकिन जब भी हवा आती है तो आप देख सकते हो उसको, आप फील कर सकते हो ओके. उसको देख नहीं सकते ओके. तो दैट इज विंड ओके. सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है, विंड हेल्प्स अस इन मेनी वेज ओके. सो हमें कितना, ह्यूमंस को कितना हेल्प है ना. सो प्लांट्स भी हमें हेल्प करते हैं, एनिमल्स भी हेल्प करते हैं. सो एयर भी कुछ चीज़ों को मूव करने के लिए हेल्प करता है ना इंटरेस्टिंग ओके. सो एयर, विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. दिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ ओके. क्या क्या है हमारे लिए, लिविंग थिंग्स के लिए? एयर, फूड एंड वाटर ओके. सो विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव, नॉट पॉसिबल ओके. एयर जो हम लेते हैं अपने शरीर में, जो हम एयर लेते हैं, शायद आपने योगा में सीखा होगा ओके. जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो कैसे हम श्वास लेते हैं, एयर अंदर बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, तो लंग्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स हमने सीखा था, जो लंग्स है ना, लंग्स के थ्रू हम एयर, फ्रेश एयर लेते हैं और बाहर खराब एयर हम छोड़ देते हैं ओके. सो इसीलिए हमारे सराउंडिंग में एयर को क्लीन रखना हमारी जिम्मेदारी है. ये किसे होता है एयर डर्टी? लाइक स्मोक से, बॉनफायर जब हम चलाते हैं उसके धुआं जाती है, व्हीकल्स में भी आते हैं सब, फैक्ट्रीज, चिमनीज, बेकरीज, इन सब में से धुआं आती है ना, तो उसी से एयर पोल्यूशन होता है ओके. सो ओके, बैक टू क्लास. विंड, विंड हेल्प्स अस मेनी वेज. कहाँ कहाँ विंड हेल्प होती है देखिए. विंड हेल्प्स अ काइट फ्लाई. अंडरलाइन दिस वन ऑल्सो ओके. काइट फ्लाई करने के लिए विंड हेल्प करती है. विंड हेल्प्स अ बोट सेल. विंटर्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल. आप ये जब भी आप मोरबी से राजकोट जाते रहते हो, मैंने वहाँ तक ही गई हूँ यहाँ पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कितने जगह पे विंड मिल लगा हुआ है ओके. एंड विंड हेल्प्स क्लॉथ ड्राई फास्टर ओके. आप देखिए, जब भी हम कपड़े धोते हैं, अभी बारिश हो रही है तो कपड़े हम अंदर सुखाते हैं तो बिल्कुल नहीं सूखते हैं, है ना. तो ये कब अच्छे से कहाँ सूखते हैं? जब बाहर अच्छे से विंड हो या तो धूप हो, तभी हमारे कपड़े सूखते हैं, है ना. सो हमने ये जाना,
यहाँ पे देखिए पिंक लाइन में, अ विंड वैन टेल्स द डायरेक्शंस ऑफ विंड, इट इज़ यूजुअली फिक्स्ड ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वेदर कॉक। सी पहले के ज़माने में पता था टाइम देखने के लिए वो अलग ही घड़ी नहीं रहता था, वो यूज़ करते थे, और अभी हम दिशा देखने के लिए क्या करते हैं, कंपास यूज़ करते हैं फ़ोन में, लेकिन पहले के ज़माने में डायरेक्शन बोलने के लिए वो वेदर कॉक लगाते थे। ओके, सो नेक्स्ट, अ जेंटल विंड इज़ कॉल्ड अ ब्रीज, वी एन्जॉय अ कूल ब्रीज, हम कूल ब्रीज को एन्जॉय करते हैं, स्टॉर्म को नहीं। ओके, ये भी मैंने वीडियो में दिखाई थी कूल ब्रीज कैसे चलती है। ओके, व्हेन द विंड इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्लोज वेरी फास्ट इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म, अ स्टॉर्म कैन बी हार्मफुल, इट कैन ब्लो थिंग्स अवे एंड डैमेज ट्रीज एंड हाउसेस। ओके, स्टॉर्म हमारे लिए हानिकारक है, सिर्फ हम इस विंड को एंजॉय करते हैं, स्टॉर्म को नहीं। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू सेकेंड पेज, हमने सीखे थे कपड़े कैसे। ओके, व्हाट डज एयर कंटेंट्स, आपको ये पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मैंने ये भी वीडियो में दिखाया, वाटर वेपर एक्सेट्रा, वेट क्लॉथ्स व्हेन केप्ट अंडर द सन बिकम ड्राई आफ्टर सम टाइम, द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर प्रेजेंट इन दीज क्लॉथ्स इनटू वाटर वेपर। ओके, सो आपको क्या याद रखना है, मैं बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूँगी, ये व्हाट एयर कंटेंट्स। ओके, एयर कंटेंट्स में आपको इतना याद रखना है, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स। क्या है एयर कंटेंट्स में, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स, दीज आर एयर कंटेंट्स। ओके, ओके, एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट एंड स्मोक, डस्ट एंड स्मोक कैसे कंटेन है। ओके, तो स्मोक इज गिवन ऑफ व्हेन समथिंग बर्न, सी ये तो व्हीकल से धुआं आ रही है, इसको ही स्मोक बोलते हैं हम। तो एयर पोल्यूटेड पोल्यूशन कैसे होता है, कुछ व्हीकल से धुआं आती है और कुछ चिमनियों से धुआं आती है, और जब हम बॉनफायर चलाते हैं ठंड में उसमें से जब भी धुआं आती है तो वो एयर में चला जाता है, दैट्स व्हाई एयर कंटेंट डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर एंड जर्म्स। ओके, सो ये जो डस्ट और स्मोक है, डस्ट कैसे होता है, जैसे हम देखिए बाहर झाड़ू करते रहते हैं, आप कभी भी नोटिस किया होगा जब रोड पे झाड़ू करते रहते हैं कितना डस्ट निकलता है ना, या तो वो हमारे शरीर के अंदर जाता है या तो पूरा एयर में घुल मिल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट, एयर ऑल्सो कंटेन जर्म्स, जर्म फ्रॉम सिक पर्सन गेट मिक्सड विद द एयर व्हेन ही और शी स्नीजेस। जर्म्स कैसे एयर में कंटेन होते हैं मैं बताती हूँ, कोई भी एक बीमार आदमी, लाइक अभी हमें सर्दी हुई है, ओके, लाइक मुझे सर्दी हुई है, तो जब भी मैं छींकूँगी तो मैं हाथ नाक के पास रुमाल रख के छींकूँगी, है ना, ओके, सो नाक के पास हम रुमाल क्यों रखते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर के जर्म्स है वो बाहर जाके एयर में मिल जाता है, अगर वो एयर में मिलता है तो बाकी लोगों को भी बीमार कर सकता है ना, ये इसीलिए हम जब भी छींकते हैं या खांसते हैं तो हमें नाक के सामने रुमाल रखनी चाहिए। ओके, तो ये जर्म्स नहीं तो एयर में मिल के फिर दूसरों को भी बीमार करते हैं ना, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी, डर्टी एयर मेक अस इल। ओके, अभी नेक्स्ट, ए न्यू सेक्शन है, न्यू पैराग्राफ। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, तो एयर है हम कैसे जानेंगे। ओके, सो टेक ए डिफ्लेटेड बलून, नोटिस इट्स शेप, नाउ फिल एयर इन इट, ऑब्जर्व द शेप, नाउ वॉट हैज गिवन द ब्लोन अप बलून इट्स शेप, एयर हैज गिवन शेप टू द ब्लोन अप बलून्स। ओके, सो ये सब आप सिर्फ रीड करना है, एयर ऑल्सो हैज़ वेट टू फाइंड दिस आउट ऑफ, ये हमें डेमो दिखाना पड़ेगा, लाइक ए वेगिंग मशीन है, ये वेगिंग मशीन दे ले के हमें डेमो करना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी क्योंकि वेगिंग मशीन यहाँ पे नहीं है, तो मैं आपको बलून के थ्रू कल ऑन वीडियो में मैं दिखाऊंगी। ओके, कि बलून में एयर फिल करने के बाद क्या होता है, कौन से शेप लेता है। ओके, तो आपको इतना याद रखना है, ये तीनों अंडरलाइन करना है आपको, द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, ये एयर के प्रॉपर्टीज है, क्या है, फर्स्ट वन, एयर फिल्स स्पेस,
एयर फिल स्पेस मतलब क्या, यहाँ पे जो बॉल में आपको डिफ्लेटेड बलून दिख रहा है, डिफ्लेटेड बॉल मीन्स जिसके अंदर एयर नहीं है उसको हम डिफ्लेटेड बॉल बोलते हैं, और जिसके अंदर एयर है इसको हम इनफ्लेटेड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, डिफ्लेटेड बॉल देखिए आप कैसे मुरझा हुआ हुआ है ना, तो इसके अंदर हम एयर भरने के बाद वो अपना स्पेस पूरा भर जाता है, जो उसका स्पेस है वो पूरा फिल कर देता है एयर से। ओके, नेक्स्ट, एयर गिव्स शेप टू थिंग्स। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई शेप दिख रहा है आपको? कुछ शेप नहीं दिख रहा है, मतलब पूरा मुरझा हुआ हुआ है ना, बिकॉज इट्स डिफ्लेटेड बॉल। ओके, कुछ शेप दिख रहा है? जब हम उसके अंदर एयर भरते हैं तो उसका शेप क्या बन जाता है? गोल। जो उसका जो शेप है ना, जो उसका कैरेक्टर, जो उसका शेप है वो गोल है, इसीलिए गोल बनता है। अगर ये अलग शेप में है, लाइक आप टॉयज देख सकते हो, लाइक टेडी बियर, प्लास्टिक का जो भी एयर से जो टॉयज बने हैं एयर फिल करने के बाद, लाइक टायर आप देख सकते हो, ओके, हमारे गाड़ी के टायर, जब उसके अंदर एयर नहीं रहती है तो ऐसे ही दिखता है। ओके, एयर फिल होने के बाद उसका शेप अपने शेप में वो आ जाता है। ओके, सो एयर हैज़ वेट, ये कैसे देखेंगे हम? यहाँ पे देखिए, ये वेगिंग मशीन है और ये डिफ्लेटेड बॉल है। यहाँ पे आप देखिए काटा कहाँ पे है, एक किराना दुकान में, ग्रोसरी शॉप में आपको देखने के लिए मिलेगा वेगिंग मशीन। ओके, सो यहाँ पे देखिए डिफ्लेटेड बॉल का वेट कितना है, बहुत कम है। यहाँ पे काटा दिख रहा है आपको रेड, ओके, लेकिन इनफ्लेटेड बॉल देखिए, उसका काटा देखिए कहाँ पे आया, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, क्यों? बिकॉज एयर हैज़ वेट, एयर को वेट है। जब हम किसी भी चीज़ में एयर भरते हैं तो एयर हैज़, इसको वेट हो जाता है। ओके, सो लाइक हम टायर में, जो हमारे साइकिल की आप देख सकते हो, जब भी साइकिल में हवा नहीं रहती है तो वो टायर कैसे दिखता है, और जब उसके अंदर हम एयर फिल करते हैं तो वो हेवी हो जाता है ना, चलने लायक हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे आप बलून दे सकते हो, एयर हमारे अंदर, एयर हम कहाँ से रखते हैं? लंग्स से, है ना, लंग्स के। तो जब भी डिफ्लेटेड बलून है इसके पास, फिर उसने एयर फिल किया अंदर तो उसने अपना शेप लिया। ओके, तो आप बलून आप अपने घर में कर सकते हो, बलून का हाथ में रख के वेट कीजिए डिफ्लेटेड बलून, तो आपको कुछ वेट नहीं लगेगा। अगर उसके अंदर आप एयर भरेंगे तो उसका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई एयर हैज़ वेट। ओके, सो एयर के प्रॉपर्टीज क्या हैं? एयर फिल्स स्पेस, एयर गिव्स शेप टू थिंग्स, एयर हैज़ वेट। ओके, सो नेक्स्ट, मूव टू लास्ट वन, वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल इन मोरबी स्पेशली, क्योंकि मोरबी में इतने फैक्ट्रीज है, इतने धुआं आते हैं, तो हम कैसे फ्रेश एयर को फील कर सकते हैं, है ना। सो ये करने के लिए आपको गार्डन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे गार्डन है वहाँ पे फुल्ली ग्रीनिश है, पेड़ पौधे ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको जाके ये फ्रेश एयर का फील कर सकते हैं। ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ना, दैट्स वाई कुछ लोग मास्क पहनते हैं, है ना। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। ओके, मैंने पहले ही बताया था, एयर क्लीन रखने की जिम्मेदारी हमारी है ना, हम लिविंग थिंग्स के, एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स हमारे एयर को क्लीन नहीं रखेंगे। ओके, तो हमें ही क्लीन रखना है, क्योंकि भगवान ने हमें इतना बुद्धि देके, सर के ऊपर इतना बड़ा ब्रेन दिया है, तो हमें उसका यूज़ करना तो चाहिए ना। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करना है ताकि हम फ्रेश एयर ले सकें। ओके, इवन आप बोलते हो, मैम हम अपार्टमेंट में हैं सो नॉट पॉसिबल टू ग्रो प्लांट्स, आप अपने गमले में भी ग्रो कर सकते हो ना बच्चा, जैसे आपने गमले में रोज़ का लगाया, आपने हिबिस्कस का लगाया, फ्लावर्स का, उसमें भी कितना फ्रेश लगता है आपको, मॉर्निंग उठ के आप प्लांट्स के सामने खड़े रहोगे ना, कितना अच्छा लगता है आपको देखने में। ओके, सो अवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, मैं जब बोर्ड वर्क कराऊँगी तो पूरा डिटेल में बताऊँगी कि एयर के प्रॉपर्टीज़ क्या है, और डिफ्लेटेड और इनफ्लेटेड बलून कैसे दिखते हैं। मैं बॉल नहीं कर सकते, बिकॉज बॉल हमारी एयर से फिल नहीं होता है,
उसको वो एयर जहाँ से आप साइकिल में एयर भरते हो वो चाहिए। ओके, मैं बलून का एक्टिविटी आपको दिखा सकती हूँ कि एयर हमें कैसे फिल करते हैं और वो कैसे स्पेस चेंज हो जाता है। एयर फिल स्पेस और उसका शेप कैसे चेंज होता है वो भी हम देखेंगे। ओके, सो आज एक एक्टिविटी करने वाले हैं, सॉरी एक एक्सरसाइज। ओके, लेट्स रिमेंबर। ओके, दिस इज टुडेज होमवर्क। ओके, राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन। यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वन है, एयर कैन बी फेल्ट व्हेन इट मूव्स। इज इट ट्रू? यस, एयर कैन बी फेल्ट व्हेन इट मूव्स। एयर जब भी चलती है तो हम उसको फील करते हैं। फेल्ट पास्ट, फील का फेल्ट, तो दिस वन इज ट्रू। बट वी कैन नॉट सी एयर, बट वी कैन फील इट। ओके, नेक्स्ट है, एयर डज नॉट कंटेन वाटर वेपर। इज इट ट्रू? नो, दिस इज फॉल्स, बिकॉज एयर कंटेन्स वाटर वेपर। ओके, थर्ड वन, एयर फिल स्पेस गिव्स शेप टू थिंग्स एंड हैज वेट। यस, दिस इज ट्रू। व्हाई दिस इज ट्रू? दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर फिल स्पेस गिव्स शेप टू थिंग्स एंड हैज वेट। ओके, ट्रू लिखिए यहाँ पे। We must breathe in fresh and clean air. Is it true or false? Yes, this one is also true. And the fifth one is, plants do not keep the air fresh and clean. Is it true? No, this is false, because plants gives us fresh air. Plants, trees gives us oxygen. Okay, we must grow more plants surrounding us. Okay, next, answer the following questions orally. बट हमें लिखना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज एन इनफ्लेटेड बॉल हेवियर देन अ डीफ्लेटेड बॉल। यहाँ पे पूछा गया है, इनफ्लेटेड बॉल हेवियर डीफ्लेटेड बॉल से हेवियर क्यों होती है? मैंने अभी बताया ना, डीफ्लेटेड बॉल में एयर नहीं रहती है, इसलिए वो हेवी नहीं लगता। जब हम उसके अंदर एयर भरते हैं तो वो इनफ्लेटेड बलून होता है, ताकि हमें उसके अंदर एयर भरा रहता है। तो आंसर इज दिस, एन इनफ्लेटेड बॉल इज हेवियर देन अ डीफ्लेटेड वन, बिकॉज एयर हैज वेट। सिंपल है ना, क्यों हमें वो हेवी लगता है इनफ्लेटेड बॉल? बिकॉज हम उसके अंदर एयर भरे रहते हैं, इसीलिए वो हमें हेवी लगता है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है, विच लिविंग थिंग्स हेल्प टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन। विच लिविंग थिंग्स हेल्प टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है क्योंकि यहाँ पे जागा नहीं है। प्लांट्स हेल्प टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन, दिस इज आंसर। क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, विच लिविंग थिंग्स हेल्प टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन, है ना? इंटरेस्टिंग है ना, विच लिविंग थिंग। हम भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, इंसेक्ट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन कौन ऐसा लिविंग थिंग है जो हमें एयर फ्रेश देने के लिए हेल्प करता है? दैट इज प्लांट्स। ओके, प्लांट्स हेल्प टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन, है ना वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, सो विच लिविंग थिंग्स हेल्प टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। आप सोचे होंगे हम भी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन हम कौन सा फ्रेश एयर देते हैं किसी को? नहीं, है ना। और एनिमल्स भी देते हैं क्या? कभी देखा है अपने एनिमल्स में आपको एयर देते हुए? नो, तो कौन देता है हमें? प्लांट्स। ओके, दैट्स वाई प्लांट्स हेल्प टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन। ओके, सो वी मस्ट ग्रो मोर प्लांट्स सराउंडिंग अस। ओके, हम आज प्रण लेंगे, हमने जितना हो सके उतना हम प्लांट्स ग्रो करेंगे। ओके, सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो कल मैं बोर्ड वर्क एक्सरसाइज कराते आपको फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, जैसे बलून लेके लाइक डिफ्लेटेड इनफ्लेटेड कैसे होता है वो मैं बलून के थ्रू आपको दिखाऊंगी। ओके, सो बी सेफ, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।